तो ये रहा हमारे पास यहाँ पे Redmi Note 11। और आज की इस वीडियो में हम जो है इस फोन के ऊपर जो है BGMI का टेस्ट करके देखने वाले कि इस फोन के अंदर जो BGMI का गेम प्ले किस तरह का आता है, किस तरह की परफॉर्मेंस आती है, लैग्स आते हैं कि नहीं आते। और मैंने अभी जो है इसके अंदर जो BGMI को यहाँ पे इंस्टॉल भी कर दिया, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ अभी गेम रन कर रही है इस टाइम। तो जानने के लिए इस फोन के अंदर जो है किस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है BGMI की, तो सिंपली इस वीडियो को देखते रहें। दोस्तों ये रहा हमारा फोन Redmi Note 11, जिसके अंदर जो मैंने BGMI को पहले से यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है और अपने ID को भी इसमें लॉगिन कर लिया, मैं 2-3 बार ऑन कर लिया है। उसके बाद देखते हैं अब जो है इस गेम को ऑन होने में एक्जैक्टली कितना टाइम लगता है। सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर देखते हैं कि इस फोन के अंदर जो है इस गेम को एक्जैक्टली ऑन होने में कितना टाइम लगता है। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करने वाला, आप चाहें तो अगर नहीं देखना है कि एक्चुअली में इस फोन के अंदर कितना टाइम लग रहा है इस गेम को ऑन होने के लिए, आप जो है वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आगे जाके देख सकते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस आती है इस फोन के अंदर BGMI की। तो फिलहाल देखते हैं कि एक्जैक्टली इसको कितना टाइम लगता है इस फोन के अंदर जो है BGMI को यहां पे ऑन होने के लिए। तो यहां पे लोडिंग हो रहा है अभी, तो लोडिंग होने दीजिए पूरा। तो यहाँ पे लोडिंग हो चुकी है, यहाँ कम्प्लीट हमारी गेम यहाँ पे जो है कम्प्लीटली यहाँ पे ओपन हो चुकी है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको एक्जैक्टली पता लग गया होगा कि इस फोन के अंदर जो है BGMI को ऑन होने में एक्जैक्टली कितना टाइम लगता है। तो आप देखते हैं पहले इसमें ग्राफिक्स सेटिंग किस तरह की मिल जाती है। यहाँ पे जाता हूँ इसमें और यहाँ जब सेटिंग्स के अंदर यहाँ जाता हूँ फिर ग्राफिक्स के अंदर। ग्राफिक्स में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर, सबसे पहले तो मैं इसका जो साउंड वगैरह कम कर देता हूँ। हाँ, सबसे ऊपर देख सकते हैं आप यहाँ पे बैलेंस मिल जाता है HD, तो HD अवेलेबल नहीं है, मैक्सिमम आपके यहाँ बैलेंस भी रख सकते हैं या फिर उससे नीचे जाएँ तो आप यहाँ पे स्मूथ भी कर सकते हैं। और हाई फ्रेम रेट्स आपको सिर्फ बैलेंस, सॉरी स्मूथ पे ही मिलते हैं। बैलेंस पे जाएंगे तो आपको सिर्फ मीडियम ही मिलेंगे या फिर लो मिलेंगे, और स्मूथ पे आपको लो, मीडियम और हाई मिल जाए। तो मैं स्मूथ भी रखूँगा और हाई पे कर दूँगा। और यहाँ पे जो है उसके बाद नीचे जाएँ तो यहाँ पे सब कुछ सही है, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और यहाँ पे इसको काट देते हैं। तो अब यहाँ पे जो है हम क्या कहते हैं गेम चला के देखते हैं। तो सिंपली मैं एक TDM लगा के देखूँगा, तो यहाँ अनरैंक के अंदर और यहाँ अरेना के अंदर मैंने पहले से डाउनलोड कर रखे हैं सारे TDMs। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक चला देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये वाला चला देता हूँ टीम डेथमैच वाला, और यहाँ पे कर देता हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारा मैच सेट हो चुका है। सो अभी देखते हैं गेम हमारा किस तरह की परफॉर्मेंस देता है इसके अंदर और फ्रेम रेट्स किस तरह के आते हैं और लैग वगैरह होता है कि नहीं होता, और साथ साथ देखेंगे हमें जो है क्या कहते हैं FPS जो है कितना मिलता है, FPS नहीं सॉरी पिंग कितना आता है इसका। तो अभी गेम यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे मेरी गेम अभी स्टार्ट हो चुकी है, तो इसको काट देते हैं। और बता रहा है कि जो एक वर्चुअल गेम है, मैं भाई भी आपको बताता हूँ कि ये वर्चुअल गेम है, रियल जिंदगी से इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, सिर्फ आप खेल रहे हैं वही एक ताल्लुकात है बस। तो अब यहाँ पे गेम हमें सेट हो गई है, तो यहाँ पे हमें M4 मिली है, तो स्टार्ट करते हैं गेम। तो यहाँ पे अभी देखते हैं बंदे मार के जाते हैं, हाँ यही चाहिए था मेरे को, होलो क्या बात है, पहली बारी में मर गया तो दूसरी बार दोबारा जाके मरते हैं अब। तो फिलहाल पिंग की बात करें तो आप यहाँ पे MS पिंग आ रहा है हमारा, यहाँ पे मैं जूम करके दिखाऊँ तो आपको, तो लगभग 100 का पिंग आ रहा है इस टाइम मेरे पास, यहाँ पे फोकस तो हो रहा है ना, हाँ 100 का पिंग आ रहा है इस टाइम यहाँ पे, जो इस फ़ोन का अभी 80 का पिंग हो चुका है। और मैं यहाँ मरने वाला हूँ और यहाँ पे मर चुका हूँ, क्या बात है, बहुत जल्दी मर गया मैं कोई नहीं दोबारा जाके मरते हैं अभी। तो गेम लैग की बात करें तो यहाँ पे गेम हमारी लैग तो हो रही है, मतलब बहुत बढ़िया गेम प्ले तो नहीं आ रहा है। और मैं थोड़ी साउंड बुलाता हूँ यार, बिना साउंड के मज़ा नहीं आ रहा है। सो अभी देखते हैं किसी को मार के आते हैं जाके आगे जाके, तो काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं, मेरी गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है और साथ ही यहाँ लैग भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी लैग हो रही है। ये 90 Hz सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है, उसके बावजूद भी ये मेरी गेम प्ले इतना बेकार है या फ़ोन का प्रोसेसर इतना बेकार है, ऐसे मेरा गेम प्ले बेकार हुआ यार। फ्रेम ड्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है इसके अंदर, मतलब एकदम स्मूथ की बात करें, स्मूथ की तरह स्मूथ गेम प्ले नहीं आ रहा है इसके अंदर। शेट में दोबारा मर गया मैं, अभी काफ़ी बार मर चुका हूँ, लगभग मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऐसा दिखा नहीं रहा है। मैंने अभी तक 0 किल करे हैं, नहीं 1 किल करा है, 1 किल करा है, ऐसी बात नहीं है, इतना भी बेकार नहीं खेलता मैं कि मैं 0 किल ही करूँ बस। तो सामने वाले शायद कुछ ज़्यादा अच्छे खेल रहे हैं या मैं कुछ ज़्यादा ही बेकार खेल रहा हूँ।
यार ये किल किसी और के बचल गया या बच गया हूँ। शेड एक बार और मर गया मैं यार, कितनी बार मरूंगा मैं, लगभग उनके 31 और हमारे 10 ही हुए हैं और मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ही किल हुआ है, एक और किल हो चुका है, क्या बात है, फिर मैं दोबारा मर गया हूँ। अभी 105 का पिंग आ रहा है मेरे पास, गेम काफ़ी ज़्यादा लैग कर रही है। एक और क्लिक किल हो चुका है मेरा, क्या बात है यार, मैं क्या खेलता हूँ, मैं कितना प्रो, मर गया मैं शायद, मैंने 5 किल कर दिए और यहाँ पे हमारी दूसरी वाली टीम जो है जीत चुकी है। तो गेम प्ले का पता लगा किस तरह के, तो इस फोन के अंदर प्ले गेम प्लेबल गेम प्ले तो मैं नहीं कर सके, प्लेबल गेम प्ले है, लेकिन आपने सिर्फ टाइम पास के लिए थोड़ा बहुत खेलना है तो आप खेल सकते हैं, लेकिन आपको अगर काफ़ी अच्छा खेलना है तो उस हिसाब से ये जो गेम प्ले इसके अंदर जो है प्लेबल गेम प्ले बिल्कुल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गेम लैग कर रही है। बाकी आप फिर भी खेलना चाहते तो आपके ऊपर है, क्योंकि मेरे पास तो काफ़ी लैग कर रही, खैर इंटरनेट का इशू भी हो सकता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन हाँ लैग कर रही है गेम, मतलब कि गेमिंग के लिए तो बेशक नहीं है, लेकिन नॉर्मली उसके लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन है। आप नॉर्मली उसके लिए कुछ चाहिए इस रेंज में, प्राइस रेंज में फ़ोन, तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, लेकिन गेमिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करने वाला। और क्या कहते हैं, अगर मैं इसको जैसे मैं एक चीज़ और देख करके देखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ऐप बंद कर दिया, यहाँ पर मैं कुछ और यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए गैलरी यहाँ पर ओपन कर ली मैंने, तो यहाँ पर हमारी फ़ोटो है, देख ली, बंद कर दिया, अब देखते हैं हमारी गेम अभी चल रही है, तो हाँ चल रही है। उसका दोबारा से मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ दोबारा से प्ले स्टोर के ऊपर, और यहाँ हमारा प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन हो चुका है, और अब जाते हैं दोबारा से गैलरी के ऊपर और गैलरी को यहाँ बंद कर देते हैं, और अब जाते हैं गेम के अंदर दोबारा से, तो अभी भी गेम यहाँ पे चल रही है, तो हाँ अभी भी चल रही है। सो नॉर्मली जैसे मान लिया आपने किसी व्हाट्सएप को ओपन करना है, वहाँ पे किसी को मैसेज सेंड करना है, तो आप सिंपली वहाँ मैसेज सेंड करके दोबारा से गेम के अंदर वापस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, नॉर्मली तो नहीं आने वाली है, लेकिन बाई चांस आ सकती है कि तो एक आधी बार कि आपकी गेम बंद हो जाए, लेकिन नॉर्मली मेरी गेम अभी तो बंद नहीं हुई है, लेकिन हाँ काफ़ी देर तक आप किसी और ऐप के ऊपर रहेंगे तो ऑब्वियसली तब तो बंद हो ही जाएगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर कमेंट में पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।